हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के सामने एक देसी इलाज घरेलू नुस्खा जो कि आप अपने घर पे बना सकते हैं लेके आया हूं। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा आप लोगों को लहसुन और शहद को मिलाकर के एक साथ खाने से कितने तरह के फायदे होते हैं और किन किन बीमारियों से निजात मिलती है हमें इस नुस्खे को खाने से। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं शहद और लहसुन। एक बहुत ही पुरानी दवा है, आप लोगों को पता है, जिसे बड़े बड़े रोगों को दूर करने के लिए खाया जाता है। एक बात और, अगर आप हर वक्त बीमार रहते हैं और थकान की वजह से आपका मन किसी में नहीं लगता, जैसे कोई भी काम कर रहे हो मन नहीं लग रहा आपका, इसका मतलब ये है कि आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया है। ओके फ्रेंड्स, अगर इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है दोस्तों, तो इंसान को 100 तरह की बीमारियां घेर लेती है, जैसे कि मौसमी बीमारी। हाँ दोस्तों, इम्यूनिटी बढ़ाना बहुत जरूरी है हमारे शरीर के लिए, क्योंकि इम्यून सिस्टम सही रहने से हमारे शरीर हर तरह की मौसमी बीमारी से बचा रहता है, वायरस से बचा रहता है, बाहरी पानी पीने से हमारा शरीर बचा रहता है, सर्दी खांसी नहीं आता। आप जानते हैं दोस्तों कि अगर आप बाहर जाते हैं तो गले में खराश हो जाती है, इससे भी ये नुस्खा अपनाने से बचाव मिलती है। नपुंसकता, घोड़े जैसी ताकत, कोलेस्ट्रॉल कम रहता है, जिससे दिल की बीमारी होने का खतरा कम हो जाता है। तो आइए हम बताएंगे कैसे इस नुस्खे को अपनाते हैं। इसके लिए आपको लहसुन को अच्छे से छिल लेना है, जैसे मैं देखिए छिल के रखा हूं, इसे हटा लीजिए, ये आप कली लीजिए, पहले तोड़ लीजिए, इसका ऊपर से जो छिलका होता है इसे आप हटा लीजिए छिल के। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह आप कली को अलग अलग कर लीजिए, और अलग अलग करने के बाद जैसे मैं दो चार छिल के रखा हूं, इसे आप क्या कीजिए, पहले छोटा छोटा टुकड़ा, इतना छोटा छोटा कर लीजिए जो कि शहद में ये मिक्स हो जाए, छोटा छोटा टुकड़ा कर लीजिए, कोई साइज नहीं है, अपने हिसाब से छोटा बड़ा कीजिए, लेकिन छोटा छोटा कीजिएगा तो जल्दी शहद में घुलेगा। और इसे खाना कैसे वो मैं बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। इससे क्या होता है, खाने से शरीर की जो गंदगी है दोस्तों और दूषित पदार्थ जो हमारे शरीर के अंदर होता है वो भी दोस्तों इससे बाहर हो जाती है खाने से। ओके फ्रेंड्स, इसके लिए आपको क्या करना है, 4 से 5 कली आपको लहसुन लेना है और 2 चम्मच शहद लेना है, दोनों को एक साथ मिलाकर रख देना है 2 से 3 दिन पहले, क्योंकि दोनों को मिक्स होने में थोड़ा टाइम लगता है। आप जैसे क्या किया, हम 2 ले लिए, आप 4 लीजिए 5 लीजिए। अगर आपको लगता है कि बार बार मेहनत नहीं करना है तो आप ज्यादा भी रखिए, क्योंकि इसमें कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होता हमारे शरीर में। अगर आप 10 दिन भी रखते हैं, 20 दिन भी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो आप हो सकता है एक पूरा का पूरा आधा ग्लास इतना सा बना के रख ले, मैं थोड़ा सा बनाऊंगा जो कि आप 3 से 4 दिन तक का बन सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि 7 दिन तक बना लें, जो कि बार बार ना बनाना पड़े, तो आप क्या कीजिए 10 कली ले लीजिए, 10 कली, और उसके बाद 4 चम्मच उसमें ले लीजिए शहद। तो मैं आज आपको 4 से 5 कली डाल के बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, एक चीज और है कि शहद और लहसुन को एक साथ मिलाकर खाने से एंटीबायोटिक का काम करता है ये, और हमारे शरीर में जो होने वाली कई तरह की बीमारी है, ताकत बहुत जबरदस्त है इसमें। तो देखिए 4 से 5 कली मैं इसमें डाल दिया छोटा छोटा टुकड़ा करके, और 4 से 5 कली में 2 चम्मच डालूंगा शहद। शहद दोस्तों होने चाहिए देसी, या फिर एक अच्छे कंपनी का होना चाहिए शहद, ताकि आपको कोई साइड इफेक्ट ना हो, नुकसान ना पहुंचे। इसे आप अच्छे तरह से मिक्स कर लीजिए, और मिक्स करने के बाद 7-8 दिन तक आप इसे रखिए, तो और भी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि तुरंत खाना है तो आप 2 से 3 दिन इसे कम से कम तो रखना ही रखना, उसके बाद खाइए। ये नहीं कि जैसे अभी मैं बनाया और इसे खा लिया, नहीं। और खाना कब है ये मैं बताने जा रहा हूं, खाना आपको है सुबह और शाम 2 टाइम। सुबह खाना है आपको बिल्कुल खाली पेट, एकदम खाली पेट खाना है आपको, ठीक है दोस्तों। ब्रश कर लीजिए, फ्रेश हो जाइए, उसके बाद खाना है। कितना खाना वो मैं बताने जा रहा हूं आपको। देखिए, सुबह खा रहे हैं आप तो इतना, बस 3 से 4 टुकड़ा होना चाहिए छोटी छोटी, और उसमें हल्का शहद, ये इतना ही होना चाहिए, इससे ज्यादा ना हो। ओके फ्रेंड्स, और इतना ही आपको शाम में खाना।